नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 20th of September 2024 और आज शाम जब भी उनके न्यूज़ एनालिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहला यहां पे न्यूज़ मैं डिस्कस करने वाला हूं NPS वत्सल्य के बारे में, जिसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया है आसाम। जी हाँ, NPS वत्सल्य ये है क्या? यह एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में बढ़ेगा। और वो भी कैसा फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो ध्यान से। अगर बहुत सारे माइनर बच्चे जो होते हैं ना, 18 साल से कम के बच्चे, राइट, उन वो तो कमाते नहीं हैं पैसे, बट उनके बिहाफ में उनके पेरेंट्स या फिर उनके जो गार्जियन हैं वो मिनिमम हर साल 1000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है एक अकाउंट में, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ एक वे है जिससे क्या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा उन बच्चों को अंटिल द टाइम दैट दे स्टार्ट अर्निंग या फिर इन्वेस्टिंग ऑन देयर ओन। देखो इससे फायदा क्या है ना, दैट इससे अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का होके कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल यू गाइज आर वेरी मैच्योर्ड, राइट, आपका कल का शादी हो गया, आपके बच्चे हुए, राइट, तो आपको भी मन करता है बच्चों के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करना, सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो वही है NPS वत्सल्य, ठीक है। और इसका फायदा ये है दैट अब से फॉर एग्जांपल 18 साल तक इन्वेस्टमेंट हुआ ना, उसके बाद जब ये बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 60 ईयर्स जब ये हो जाएगा ना, तब उनको इस पैसे का रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इसके बेनिफिट्स ये है दैट यस, ये जो है अनसर्टेनिटी या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है ना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना सिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे बाद में देखेंगे दैट नहीं, मेरे पापा मम्मी लोगों ने मेरे लिए पेंशन प्लान ऑलरेडी पहले से प्लान कर लिया है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है यू कैन टेक इट आफ्टर 60 ईयर्स, पहले भी निकाल सकते हो, उसके भी मैं क्लॉजेस डिस्कस करूंगा कब, बट यस अनडाउटेडली इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो तो प्रमोट होता ही है, बट साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग भी इससे प्रमोट होता है। और इसके बेनिफिट्स अगर देख लीजिएगा, यस, इसमें क्या होता है ना, कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग देखो, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर देखोगे वो जैसे साल दर साल बढ़ता रहता है ना, वैसे कंपाउंड एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, राइट। तो उस एक्सपोनेंशियल बेनिफिट जो कंपाउंडिंग, जिसको यू नो बड़े बड़े दुनिया के इन्वेस्टर्स बोलते हैं दैट इट इज़ द फोर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, कंपाउंडिंग, क्योंकि कंपाउंडिंग में आप आज से कल पैसा आपका लिटरली डबल हो जाएगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसा होता है, एक एक दिन में पैसा डबल होता है। बट उसके लिए जो है आपको बहुत साल रुकना पड़ता है, मतलब इनिशियल जो पहला 10-15-20 साल जो है आपका शायद धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, मतलब इनिशियल डेज में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेटर डेज में पैसा बाद में और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। और बहुत ज़्यादा दिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तब तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक दिन में पैसा लिटरली डबल होता है जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, बशर्ते डिपेंड करता है वो मार्केट के कंडीशंस में, दैट मार्केट के कंडीशंस कैसे हैं, ठीक है। सो यही बोला गया, इसके बेनिफिट्स है ना, दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स दैट वी हैव सीन। नाउ क्या 18 साल से पहले ये पैसे को निकाला जा सकता है? जी हाँ, निकालने का प्रावधान है, बट पार्शियल विड्रॉल ही है बिफोर द सब्सक्राइबर टर्न 18, दैट आपके बच्चे अगर 18 से पहले भी निकाल सकते हैं, है ना, और वो भी कुछ कुछ क्लॉजेज हैं जैसे दिए हुए हैं, दैट इज़ पार्शियल जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कुछ इलनेस के लिए या फिर डिसेबिलिटी अगर हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये सब कुछ कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, बट अगर बाई चांस सब्सक्राइबर का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया उसके केस में, लेकिन इंटायर जो पैसे हैं वो गार्जियन को रिटर्न कर दिए जाएंगे, है ना। और अगर गार्जियन का ही डेथ हो गया, क्योंकि गार्जियन ही तो पैसे दे रहे थे ना, तो एक अलग गार्जियन अगर चाहे, राइट, मतलब इसमें यू नो एक अलग गार्जियन का भी रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी है, राइट, तो उनको वो पैसे देने पड़ेंगे। और अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर ख़त्म हो गए, राइट, देन लीगल गार्जियन कैन कंटिन्यू विदाउट मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस अंटिल द सब्सक्राइबर अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट। सो ये कुछ कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट,
असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, जब पहला ही पेज में आप देख लीजिएगा, क्लॉज 6 ऑफ असम एकॉर्ड के बारे में बात बोला गया है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ असम प्लान कर रही है दैट असम एकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक किया जाए। तो सवाल होता है दैट क्लॉज 6 ऑफ असम एकॉर्ड में क्या बोला गया है। देखो, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द बेसिकली दोज पीपल इन द स्टेट जो क्या इंडिजिनस है। क्योंकि अगर आप देखोगे देन इंडिजिनस लोगों को ऑफकोर्स ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, दैट अभी का डेमोग्राफिक चेंज को डर देखते हुए एटलीस्ट इंडिजिनस लोग ऑफ असाम्स है ना, इट बिलोंग्स फ्रॉम एनी कम्युनिटी, वेदर दैट बी माइनॉरिटी कम्युनिटी और अदर कम्युनिटीज, सो दे आर अ बिट ऑफ फियरफुल दैट कहीं ना कहीं यू नो हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो जाए। इसीलिए इंडिजिनस पीपल ऑफ असाम को बचाने के लिए क्लॉज 6 ऑफ असम एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, दैट इज वॉट बींग सेड हेयर। और इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने फॉर्म किया था एक कमिटी विच वॉज बींग लीडिंग बाई अतुल बोरा, है ना। और ये कम्युनिटी जो बनाया गया कमिटी, वो सितंबर 2021 को ही बनाया गया था। इनको क्या काम दिया गया था, दैट आप लोगों को एक प्रिपेयर करना पड़ेगा रोड मैप जिससे क्लॉज 6 ऑफ असम एकॉर्ड को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज अरुणोदय स्कीम 3.0। रिसेंटली फाइनली थर्ड एडिशन ऑफ अरुणोदय स्कीम, दैट इज अरुणोदय 1.0 और 2.0 भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले सालों में, और अभी अरुणोदय 3.0। तो सवाल होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस अरुणोदय 2.0 और अरुणोदय 3.0। देखो, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो छोटा डिफरेंस है वो यही है दैट बेनिफिशरीज जो है ना अरुणोदय 2.0 से 3.0 में वो ज्यादा बढ़ गए हैं, बस और कुछ नहीं। रादर अरुणोदय 1.0 से 2.0 में अगर देख लीजिएगा तो उसमें कुछ डिफरेंस था। जैसे अरुणोदय 1.0 में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था ना, वो 830 रुपये का था, बट अरुणोदय 2.0 से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट को बढ़ाकर 1250 रुपीज पर मंथ बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाने लगा। बट अभी वही बोला गया है दैट अरुणोदय 3.0 का सिग्निफिकेंस क्या है, दैट अरुणोदय 1.0 और अरुणोदय 2.0 से अगर देख लीजिएगा, यस 3.0 की अगर बात करें, यहाँ पे इन बेनिफिशरीज है वो बढ़ गए हैं, राइट। तो वही बोला गया इन टोटल है ना, अभी तक अगर देख लीजिएगा पास्ट में अरुणोदय 1.0 और 2.0 मिलाकर अराउंड 25 लाख लोग बेनिफिट इसका उठाते थे, बट अब जो है ना 12.6 लाख और भी इसमें ऐड हो जाने वाले हैं, जिससे ओवरऑल टोटल जो संख्या लोगों के लोग मतलब क्या बेसिकली इनका फ़ायदा जो है औरतों को मिलता है अरुणोदय स्कीम का, तो इन टोटल जो बेनिफिशरीज हैं वो बढ़ के हो गया रफली अराउंड 37 लाख फैमिलीज जो क्या रिसीव करेंगे 1250 रुपीज। इसके थ्रू फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अगर स्टेट गवर्नमेंट का देख लीजिएगा, तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड करेगी रफली अराउंड 440 करोड़, और अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी मिला दिया जाए तो यस अराउंड 467 करोड़ रुपीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है ये स्पेंडिंग होगा। राशन कार्ड का भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रफली अराउंड इतना बेनिफिशरीज जो है वो उसको रिसीव मिलेगा नए राशन कार्ड्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, है ना। और राशन कार्ड को है प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि उन लोग को एक्सेस मिल सके फ्री फूड ग्रेन हर महीने। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड जो है इट विल ऑल्सो ग्रांट बेनिफिशरीज फ्री ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत के अंदर फ्री ट्रीटमेंट भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स है जिसको अरुणोदय इसका फ़ायदा मिलता है? एक तो वैसे वुमेन हु आर डेस्टिट्यूट, ऐसे persons who are disabled, that is person with disabilities also get benefited under this. Widows also get the benefit of this, right? Then comes transgender की बात करें या फिर different other vulnerable populations की क्यों ना बात करें, all the populations are the direct beneficiaries of this scheme, right? और एक condition ज़रूर है, अगर आपकी family की income 2 लाख से ज़्यादा है तब तो आप scheme के फ़ायदा नहीं ले पाओगे, but अगर आपका family का income 2 लाख से कम है then you are eligible to take the benefit of this scheme. Right? So this was all about the discussion that we had for this very session. Milte hain aap sab ke saath next session mein. Till then, bye-bye. Take care.